जय मसीह की दोस्तों, आज के स्वर्गीय वर्णन का भाग हमने लिया है कुलुसियों की पत्री उसका 4:12। वचन कहता है, इपफ्रास जो तुम में से है और यीशु मसीह का दास है तुम्हें नमस्कार कहता है और सदैव अपनी प्रार्थनाओं में बड़ी लगन से प्रयास करता है कि तुम परमेश्वर की समस्त इच्छा में परिपक्व और आश्वस्त होकर स्थिर रहो। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए। परमेश्वर, जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ तो मुझे याद आता है, मुझे याद आती है तेरी करुणा, तेरी दया। बाइबल कहती है कि तूने हमें चुना है, तूने मुझे अपना बनाया है, तूने मुझे अपनी संतान बनाया है, अपना दास बनाया है। लेकिन मैं याद करता हूँ, मैं जानता हूँ कि कोई है, कोई था जो मेरे लिए प्रार्थना करता था, जिसकी प्रार्थनाओं को सुनकर तूने मुझ पर करुणा की और तूने मुझे चुना। धन्यवाद पिता। बाइबल हमें बताती है कि प्रार्थनाओं में शक्ति है, प्रार्थनाओं में जीवन है, प्रार्थना में ज्योति है, प्रार्थना में सामर्थ है और प्रार्थना हमें उस राह पर ले चलती है जो रास्ता परमेश्वर तक पहुंचता है। प्रार्थना हमें बातचीत करना सिखाती है, प्रार्थना एक हथियार है, प्रार्थना हमारा संबंध परमेश्वर से सुदृढ़ करती है। प्रार्थना हमें बताता है कि हमें वचनों पर कैसे चलना है, प्रार्थना हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन में कैसे लेना है, प्रार्थना हमें बताती है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कैसे होगी। मूसा ने प्रार्थना की, 40 दिन 40 रात वो बिना खाए बिना पिए उस पर्वत पर रहा और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा इसराइल के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा अपने भाई बहनों की आज़ादी के लिए और परमेश्वर ने कृपा की। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रार्थना की। बाइबल में आप देखेंगे हर जगह यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए रात को रुकते थे, सुबह उठते थे, जंगल में जाते थे, सुनसान जगह जाते थे और प्रार्थना करते थे, क्योंकि प्रार्थना ही जीवन है। दोस्तों, प्रार्थना बिना हमारा जीवन निष्क्रिय है। इसलिए दो पंक्तियां परमेश्वर ने मुझे दी हैं, मैं सुनाना चाहता हूं। प्रार्थना करो, प्रार्थना, प्रार्थना करो, प्रार्थना, ले यीशु जन्म दिल में पावन, कर दे ये जीवन, प्रार्थना करो, प्रार्थना, दी मुक्ति हमको यीशु ने की थी, खुद भी प्रार्थना, प्रार्थना करो, प्रार्थना, प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही ज्योति है, प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही ज्योति है, प्रार्थना दिखाती हमको मार्ग सत्य का जो लाया यीशु है, प्रार्थना करो, प्रार्थना, प्रार्थना करो, प्रार्थना। दोस्तों, ये प्रार्थना ही है जो हमें जीवन देती है, ये प्रार्थना ही है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर आती है। अय्यूब की पुस्तक को अगर हम देखें, उसके 28वें अध्याय के 7वें वचन को देखें, तो वचन कहता है कि उस मार्ग को ना कोई चील जानती, ना कभी किसी बाज की दृष्टि उस पर पड़ी है। ये किस मार्ग की बात कर रहा है वचन? वचन कहता है उस मार्ग, जिस मार्ग पर लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने वालों के मार्ग को न कोई चील जानती है, न कोई बाज यानी कि शैतान की नज़र उस पर नहीं पड़ती है। शैतान उस मार्ग को नहीं देख सकता है, शैतान प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन को कभी भी परेशान नहीं कर सकता है, कभी भी तोड़ मरोड़ नहीं सकता है। इसी का 11वां वचन अगर हम देखेंगे, इसी का अगर हम 10वां वचन देखेंगे तो कहता है कि वो चट्टान में से नालियां काटता है, उसकी आंख प्रत्येक अनमोल वस्तु को देख लेती है। किसकी आंख? कौन है जो चट्टान में से नालियां काटता है? वो जो प्रार्थना करता है, जिसका जीवन निरंतर प्रार्थना में बीतता है,
जिसका जीवन प्रार्थना की शक्ति को समझता है, जिसका जीवन प्रार्थना की अहमियत को जानता है, वो चट्टान में से नालियां काटता है और वो उस अनमोल वस्तु को देख लेता है, वो उस कीमती वस्तु को देख सकता। परमेश्वर उसे ऐसी आंख देता है, परमेश्वर उसे ऐसी बुद्धि देता है। इसलिए गतसमनी के समय यीशु मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, लेकिन मेरी इच्छा पूरी ना हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हमें प्रार्थना का हथियार दिया है। आइए आज हम इस देश के लिए प्रार्थना करें, आज हम अपने मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें, आज हम अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, आज हम अपने पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें, आज हम अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, आज हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे कलीसिया में कमज़ोर हैं, आज हम उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो हमारे कलीसिया में भटक रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि वो सब एकजुट हो जाएं और परमेश्वर की महिमा पाएं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस पवित्र सुबह में तेरा धन्यवाद देता हूँ। मैं सुनने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में प्रार्थना की शक्ति आए, प्रार्थना की अहमियत आए, प्रार्थना का सामर्थ्य आए। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।